ये देखो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसको, इसको पहन के नहा भी सकते हो आप। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम कुनाली को गिफ्ट करने वाले हैं न्यू स्मार्ट वॉच, ये वाली जो कि मैंने पीयूष को भी गिफ्ट की थी, साहिल को भी, एक और बड़ी थी हमारे पास, तो मैंने कहा चलो कुनाली को गिफ्ट करते हैं क्योंकि इसमें गेम वगैरह भी है, इसमें अपने स्टेस वगैरह भी देख सकते हैं और वाटर प्रूफ भी है तो खराब भी नहीं होगी। तो चलो कुनाली को देते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। तो ये वॉच है वाइट कलर की, पीयूष के पास तो ब्लैक है, देखो ये वाली ब्लैक है, पैक कर दे। हाँ यार बड़ी है ना, उसका हाथ क्या पता ना मेरे हाथ में आ जाता है। कुनाली आपके लिए आज एक गिफ्ट है, खाने की चीज़। खाने की चीज़? क्या कुछ खाना है आपको? क्या खाना है बताओ? लीची। क्या खाना है? लीची तो खा ही रहे हो, फेवरेट चीज तो अपनी खा ही रहे हो, क्या हो सकता है, गैस करो क्या हो सकता है। खाने की चीज जो खिलौने, कुछ खिलौना नहीं है। क्या है फिर? अच्छी है कुनाली, कुछ अच्छी चीज। प्रैंक तो नहीं करोगे फिर? प्रैंक? प्रैंक नहीं है कुनाली, वो ऐसी चीज है जिसको आप देख सकते हो अभी। ऐसी ऐसी वॉच कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है आपको? ऐसी ऐसी वॉच कैसी लगती है? ये भी अच्छी लगती है। वॉच है? वॉच है? कहाँ? सच्ची वॉच है? प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ बोल के प्रैंक कर दोगे। दिखा दे, चलो ये देखो कुनाली डाल के, डाल आपकी जैसी, बिल्कुल आपकी और पीस तक जैसी डाल डालो। कुनाली कलर कैसा लगता है, कलर कैसा लगा? कलर बढ़िया गया। ये तो आई नहीं रही, इसको आ रही है क्या? इसको आ रही है। सबसे बढ़िया बात होता है क्या इसकी? वाटर प्रूफ है। वाटरप्रूफ? पानी भिगा के देखो। साहिल और बड़े पापा आ गए। जय श्री राधे। ये क्या लाए हो? चावल। चावल चावल राशन पानी। कुनाली गीला करेंगे देखना, फिर भी कुछ नहीं होगा। देखो बंद हो गया तो ये देखो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसको। इसको पहन के नहा भी सकते हो आप। नहा सकते हैं? पीयूष वाले भी वाटर प्रूफ है, मेरी भी वाटर प्रूफ है, तीनों धो दो भाई, धो दो। तू किन डालता अपनी? कंफर्टेबल लगती यार। है मैं स्टंट करता हूं ना, कंफर्टेबल लगती। मुझे लग रहा तोड़ दी, स्टंट करता है ना। किसी और को गिफ्ट नहीं कर दी ने? किसी और को तो गिफ्ट नहीं कर दिया साला। तो फिलहाल लंच करते हैं हेल्दी हेल्दी, भटकी दाल चावल और हरी सब्जी। और ये देखो कैसा बनाया भगवान ने, इसके पैर कैसे हैं, इसका मुंह कैसा है, इसके पंजे देखो, पंजे देखो देखो, और हमको देखो कैसा बनाया। नॉर्मल। भगवान हमको भी तो डॉग बना सकता था, और इसको कुनाली बना देता, और ये कुनाली बना देता, कुनाली को और ये बना देता, फिर क्या होता? फिर आप पनीर खाते। अच्छा। प्राण तो सेम ही है, इसमें भी सेम प्राण है, कुनाली आप में भी, हम में भी, सब में सेम प्राण है, सब नेचर के ऊपर है। नेचर पता क्या होता है? नेचर, नेचर पता है आपको? जो खुद से अपना काम करते हैं, जैसे ओरियो है, हम हैं। आर्टिफिशियल नहीं है? हैं? आर्टिफिशियल नहीं है, हम नेचर के बनाए हुए हैं, इसीलिए नेचर से जुड़े रहना हमेशा, नेचर से, नेचर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है? ठीक है, प्लीज आर्टिफिशियल। लेकिन हमें किसी का दिमाग तो लगा होगा ये बनाने में ना, हमको बनाने में, जैसे ओरियो है, डॉग को बनाने में, जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, सबको बनाने में किसी का दिमाग तो लगा होगा। पता नहीं किसका, भगवान का दिमाग लगा होगा ना, नेचर का दिमाग लगा होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे आंखें होनी चाहिए, यहाँ नाक होना चाहिए, यहाँ मुंह होना चाहिए, दांत होने चाहिए, यहाँ पैर ऐसे होने चाहिए, हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, हमारी उंगलियाँ ऐसे हिलनी चाहिए। ये देखो कैसे चल रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे उछल रहा है। तो गाइज आप सबको पता होगा हमारे देश में कल एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन का, तीन ट्रेन टकराई और उसमें मतलब अराउंड 300 लोगों की डेथ हो गई और ऊपर से 900 से ज़्यादा लोग उसमें इंजर्ड हैं। तो गाइज हम तो पूरी फैमिली प्रे कर रहे हैं जो भी इंजर्ड हैं उनके लिए। तो गाइज आप सब भी प्रे करना उन सब के लिए जो भी इंजर्ड हैं, बस इस तरह की घटना दोबारा ना हो और सरकार इस पे ध्यान दे। और आजकल तो छुट्टियां पड़ रखी हैं सबकी, तो सभी घूमने जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा हो, कोई कहाँ जा रहा होगा। आजकल तो सारी ट्रेन पूरी पूरी बुक, सॉरी भरी रहती है आजकल, यहाँ भी पूरी ट्रेन, यहाँ भी जितनी बसेज हैं, क्योंकि सभी घूमने जा रहे हैं आजकल, सबके समर वेकेशन चल रहे हैं ना। और यहाँ भी अगर आप पहाड़ों में भी आते हो, पहाड़ों में भी आजकल बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, तो ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से रहो, ध्यान से, बिकॉज सभी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, सभी लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, तो केयरफुली रहो, केयरफुली अपनी फैमिली के साथ में जाओ, बिकॉज एक तो पूरी पूरी फैमिली ट्रैवल करते हैं ना। हम भी करते हैं, पूरे पूरे कर, तब तो मैं कहती हूँ बेटा आराम से ले जाओ, आराम से चलाओ, कहीं भी हो। वो तो सोच रहे होंगे ट्रेन में क्या होगा, ट्रेन में अपना सोए, कोई सोए होंगे, और रात को हुआ है, रात को हुआ है, सोए होंगे अपने। गाइज हमारी लाइफ के कितने प्लान्स होते हैं ना, हम कितना ट्रैवल करते हैं, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पूरी फैमिली के साथ में निकल भी लेते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं होता कि हम वहाँ पहुँचेंगे भी। तो बस राधे राधे बोलो और अपना काम करते रहो, सब कुछ सही होगा। चलो फिलहाल अब हम चलते हैं घूमने के लिए ऊपर पहाड़ तक। ओ भाई पागल तो नहीं है भाई, फूट जाएगा। बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। उल्टे काम मत सिखा, मैं कैसे कर रहा हूं मैं। तो भी गाइस हम बना रहे लेमन ग्रास टी, ये लेमन ग्रास है, यही पे दाओ, मैंने आप वाली चाय छोड़ दी, दूध वाली छोड़ दी, दूध वाली चाय सब बंद। ऐसे ही घुमा के ला रहा हूं चाची और मम्मी को, थोड़ा ऊपर तक फॉर्च्यूनर में जाएंगे।
तो गाइस पहाड़ पे घूम के आगे कहीं उतरे ही नहीं हम। उतरने में ना उतर जाए ना फिर भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। गाइस हम ना कहीं पे रुक के ना उतर नहीं सकते, घूम नहीं सकते पैदल पैदल, नहीं तो फिर भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक हो जाता है, गाड़ियाँ रुकती रहती है ना। तो अब हम जा रहे हैं फार्म हाउस पे, वहीं पे रुकेंगे, वहीं पे उतरेंगे। और जब ट्रैफिक लगता है तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं जो लोग मुझे नहीं पहचानते उनसे। वही तो, तब तो नहीं रुक सकते ना कहीं पे। तो गाइस फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। क्या हालचाल? तो गाइस यहाँ पे लग रही है मस्त घास, पूरा गार्डन बनेगा यहाँ पे देखो मस्त। तो अभी आधी लग गई, आधी बाकी है। गाइस अभी कुछ दिनों में देखना पूरा ग्रीन हो जाएगा, अभी तो लगा रहे ना इसलिए कम कम है। गाइस ये फार्म हाउस बहुत तगड़ा होने वाला है, देखना जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब देखना, बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ से ही बन गया बैठने का। कुनाली के 4000 स्टेप्स हो गए। कुनाली कांग्रेचुलेशन, 4000 स्टेप करे मैंने अभी। अच्छा 4000 स्टेप्स करी है। तो आज ये वॉच की पार्टी नहीं होगी? हैं वॉच की पार्टी होगी ना? वॉच भेज दोगे? मैंने गिफ्ट के भेज दोगे पार्टी के लिए? पार्टी के लिए भेज दूंगा। क्या फायदा? आप 5 रुपीज मांग लो, 5 रुपीज में पार्टी जाएगी। गाइस यहाँ पे छोटा सा गेट भी लगा देखो। तो यहाँ पे पीयूष ने मंगा लिया पिज्जा। सोसाइटी पहुँच चुके हैं और देखो पर आज पूरा चांद है, कितना प्यारा लग रहा है। कुराली ऑन क्यों है आपकी, ये ऑन क्यों है? झटका लगेगा करके। ठीक है तो झटका लगा। झटका किसी का? झटका मिनट एक मिनट दो मिनट तीन मिनट। कुनाली बैटरी खत्म हो जाएगी ऑन रखोगे तो इसको? 5000 स्टेप्स हो गए, वाह यार। तो आज मम्मी जी बना रही कटहल की सब्जी। और गाइस हमने यहाँ पे लगा दिया रामायण, तो कुनाली को हम पूरी रामायण दिखा रहे हैं, क्योंकि कुनाली ने रामायण नहीं देखी, हमने तो बचपन में देखी है ना, अब रोज रामायण देखना ठीक है। चाची आटा गूंथ रही है। ये देखो गाइस सिग्नल फेल होने से हुआ खौफनाक ट्रेन हादसा, मतलब एक सिग्नल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, 3 ट्रेन टकरा गई और इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए सिर्फ एक सिग्नल की वजह से। कितनी छोटी चीज है ना सिग्नल, एक सिग्नल नहीं मिला कि हाँ आगे ट्रेन है, मतलब सोच के भी ऐसा लगता है छोटे सिग्नल की वजह से क्या क्या हो सकता है। अब सिग्नल फेल होने का क्या रीज़न है, किसकी गलती है इसमें, टेक्निकल इशू है या फिर क्या है, वो भी तो समझना पड़ेगा ना ताकि दोबारा ऐसे हादसे ना हो। तो बस यही प्रे करते हैं हम, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। भगवान चाहे तो कभी भी किसी भी चीज़ का सिग्नल ख़राब कर सकता है, कभी भी भगवान के हाथ में है। तो बस प्रे करते रहो अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, और अच्छे से रहो, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज रियली मतलब अनप्रिडिक्टेबल यार मतलब। तो भी एडिटिंग कर रहा था, खाने के लिए बुलाओ आ गए, चलते हैं चलो। कुनाली देख रहे हो अभी तक? तो खाना रेडी हो गया, कटहल की सब्जी रोटी खाते हैं मस्त। वो देखो आश्रम में श्रम कर रहे हैं वो। कौन 4 भाई हैं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। क्या कुनाली देखो ये है राम जी, उनके पिताजी। इसको देख के बचपन के दिन याद आ रही है ना, गुजबम से आ रहे हैं, इसको देखने में मन लगता है ना। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, कुछ दिनों में बहुत मस्त मस्त व्लॉग आने वाले हैं, तो वेट करना। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मम्मी देख लो क्या कर रहे हैं, लग रहा है।